हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जहाँ पे सिद्धांत, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमको जाना है, लॉजिकल सम्स होते हैं ये। तो सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर, सिद्धांत ने गुड्स सेल किए किसको, सुधीर को। तो यहाँ पे जो सिद्धांत है वो ड्रॉवर हुआ एंड सुधीर है वो ड्रॉई हो गया, मतलब सिद्धांत हो गया सेलर एंड सुधीर हो गया बायर। तो सिद्धांत हो गया यहाँ पर क्रेडिटर एंड सुधीर हो गया डेटर। तो क्योंकि डेटर कैसे हो गया सुधीर, क्योंकि सिद्धांत अपने बुक में एज अ डेटर उसको रिकॉर्ड करने वाला है एंड सुधीर है ना सिद्धांत को अपने बुक में क्रेडिटर करके रिकॉर्ड करने वाला है। कितने अमाउंट का ऑफ रुपीज 43,800 का यहाँ पे सेल हुआ, मतलब सिद्धांत ने बेचा माल 43,800 का। तो सबसे जो पहली जो एंट्री होगी 18 मार्च 2019 को, वो है ना यहाँ पर सेल्स एंड परचेस करके ही रिकॉर्ड होने वाली है, जिसमें है ना सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके सिद्धांत रिकॉर्ड करेगा एंड सुधीर रिकॉर्ड करेगा परचेसेस टू सिद्धांत करके। नाउ सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर, सिद्धांत है ना बिल ड्रॉ करता है सुधीर पर ऑन द सेम डेट, सेम डेट को फॉर 43,800 के लिए फॉर थ्री मंथ्स का बिल ड्रॉ करता है। तो यहाँ पर है ना विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड, सुधीर इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो ये जो सेकेंड एंट्री होगी इसी स्टेटमेंट को लेके बनेगी, जहाँ पे है ना सिद्धांत अपने बुक में लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट एंड सुधीर अपने बुक में लिखेगा सिद्धांत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल करके रिकॉर्ड करेगा, थ्री मंथ्स का एक्सेप्टेंस दिया है करके। नाउ नेक्स्ट सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल, सिद्धांत क्या करता है बिल को डिस्काउंट कर लेता है ऑन द सेम डेट, सेम डेट पर मतलब 18 मार्च को वो बैंक से है ना डिस्काउंट कर लेता है बिल को 8% के डिस्काउंट के हिसाब से, 8% पर एनम, और 3 महीने का बिल है। तो 43,800 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करके हम कैलकुलेट करेंगे कि है ना डिस्काउंट कितना कैलकुलेट हुआ और बाकी का जो अमाउंट है वो सिद्धांत के खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके खाते में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट सिद्धांत अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसके हाथ से बिल तो छूट जाएगा, कैश मिल रहा है इसको, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। अब क्या बोला है, फुल स्टॉप आना चाहिए यहाँ पे, द बिल वॉज डिसऑनर्ड, ये जो बिल था वो डिसऑनर्ड हो गया ड्यू डेट पर, अब डिसऑनर्ड हो गया ड्यू डेट पर एंड सिद्धांत सुधीर ने रिक्वेस्ट किया सिद्धांत को एक्सेप्ट करने के लिए 13,800। तो मतलब जो बिल डिस्काउंट मतलब यहाँ पे बिल डिस्काउंट कर रहा है, तो सुधीर को कोई लेना देना नहीं, डिस्काउंट कर लिया था इसने बिल, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं है। लेकिन जब डिसऑनर्ड हो रहा है तो डिसऑनर्ड के टाइम पे यहाँ पे है ना एंट्री रिकॉर्ड होने वाली है, यहाँ पे डिसऑनर्ड के टाइम पे एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो जो सिद्धांत है वो अपने खाते में क्या रिकॉर्ड करेगा, सुधीर का नाम, सुधीर अकाउंट डेबिट, उसका डेटर इंक्रीज होगा वापस से, सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके वो रिकॉर्ड करेगा 43,800 वो रिकॉर्ड करेगा। इस केस में उसको डिस्काउंट को क्या होगा, इग्नोर करना होगा, उसको तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो 43,800, और जो सुधीर है वो अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, तो सुधीर अपने बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत करके डिसऑनर का वो पहले रिकॉर्ड करेगा एंट्री, जिसे हम कैंसिलेशन की एंट्री भी बोलते हैं। उसके बाद में सुधीर ने रिक्वेस्ट की सिद्धांत को एक्सेप्ट करने को बोला, भाई 13,800 एक्सेप्ट कर ले एंड इंटरेस्ट इन कैश, कैश में इंटरेस्ट भी ले ले, ऑन रिमेनिंग बचे हुए अमाउंट पे 12% का इंटरेस्ट भी ले ले भाई, ऐसे इसने बोला। तो ये 43,800 का बिल था उसमें से 13,800 दे रहा है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 30,000, तो 30,000 पे 12% का डिस्काउंट है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, तो इसकी भी एंट्री हमको दिखानी पड़ेगी। और ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, और इसकी भी एंट्री यहाँ पे आने वाली है, तो ये इसका पेमेंट भी कर रहा है साथ में, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमको इसकी एंट्री पूरी दिखानी होगी, इसका कैलकुलेशन पूरा मुझे आप लोगों को बताना होगा, तो इसका वर्किंग करके हम करेंगे। और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसने क्या बोला, द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड फॉर एक्सेप्टेड अ न्यू बिल, नया बिल, 2 महीने का नया बिल। तो यहाँ पे अब है ना वापस जब इन्हें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, वो 12% का इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए, पूरे साल का थोड़ी ना होगा, 2 महीने के लिए खाली, टू तो जो अमाउंट बचा हुआ अमाउंट मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12 करके हमको कैलकुलेट करना होगा, तो 2 महीने का इंटरेस्ट, लेकिन वो इंटरेस्ट उसको 13,800 के साथ रिसीव हो जाएगा, 13,800 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट।
तो यहाँ पे सेंट्री होगी नए बिल की, और बाद में बिफोर ड्यू डेट, फिर बिफोर ड्यू डेट है ना, फिर यहाँ पे देखो रिटायरमेंट का भी केस आ रहा है कि बिफोर ड्यू डेट द बिल सुधीर रिटायर्ड, बिल रिटायर भी कर देता है वो, 30,000 का जो बिल है वो उसका है ना, वो 29,700 है ना वो पेमेंट करता है और 300 का उसको डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे रिटायरमेंट का ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सुधीर एंड सिद्धार्थ दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे ऑनली है ना सिद्धार्थ की बुक में बोला है, बट आई विल शो यू इन बोथ, दोनों के बुक में ही मैं दिखाने वाली हूँ ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छी खासी। और तो दोनों की बुक से हम दोनों की आपको है ना जर्नल जो फॉर्मेट है वो तैयार रखना है। और हम चलो मैंने फॉर्मेट मैंने तो तैयार रखा है, तो हम एंट्रीज को वन बाय वन एंटर करना। जो सबसे पहले एंट्री है तो ये फर्स्ट जो एंट्री आएगी वो आएगी 18th मार्च को 2019 की, 18th मार्च। और यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो सिद्धांत का है, तो सिद्धांत कौन है, तो सिद्धांत ड्रॉवर है जिसे हम सेलर एंड क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम सुधीर का नाम, क्योंकि इसने सेल किया था सुधीर को, तो सुधीर है वो इसका डेटर हुआ, तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सिद्धांत ने सेल किया है इसीलिए सेल्स अकाउंट। और सेल्स क्या होता है, सेल्स इनकम होता है, सेल्स क्या होता है, सेल्स है इनकम, इसके लिए इनकम है, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। और जो सुधीर है ये इसका क्या है, सुधीर इसका डेटर है, और जब डेटर इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो बिल का अमाउंट 43,800। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अभी यही एंट्री हम है ना किसके बुक में, सुधीर की बुक में। हालांकि सुधीर का जर्नल एंट्री आपको पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि एक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इन केस आपके टीचर्स ने अगर आपको एज अ होमवर्क, बिकॉज एज अ टीचर आई विल आस्क माय स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस, मतलब सुधीर का सॉल्व करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम परचेसेस डेबिट, परचेसेस इसके लिए क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। परचेसेस क्या है, एक्सपेंसेस है, और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं मतलब, तो इसको मतलब हम इसे डेबिट में लिखते हैं। और टू ये किसका नाम लिखेगा, किससे उधार में खरीदा, तो सिद्धांत, सिद्धांत गीवर है। अगर आप गीवर के हिसाब से समझते हो तो सिद्धांत इज अ गीवर, और अगर आप क्रेडिटर के हिसाब से आपको माइंड में रह रहा है तो क्रेडिटर। तो जब गीवर एंड क्रेडिटर होता है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं, जब गीवर एंड क्रेडिटर का अमाउंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर 43,800, और अपनी बुक में सुधीर रिकॉर्ड करेगा बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेस किया है इसने सुधीर ने। फिर जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो बिल को लेकर होगी कि बिल ड्रॉ किया, तो सेम डेट हमको डालनी है, बिल ड्रॉ किया है ऑन द सेम डेट, तो 18th मार्च को बिल ड्रॉ हुआ। तो बिल रिसीवेबल इसकी बुक में, ड्रॉवर के बुक में ऑलवेज बिल रिसीवेबल वर्ड यूज होगा, तो यहाँ पर हम बिल्स टेक्निकल वर्ड यही यूज होना चाहिए ड्रॉवर की बुक में, सेलर के बुक में, क्योंकि इसे रिसीव होने वाला है और ये एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड होता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है, ये होता है एसेट के अंडर में, करंट एसेट होता है, एसेट के अंडर जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उसे डेबिट में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो यहाँ पर 43,800 हम डेबिट में लिखेंगे, 43,800 हम डेबिट में लिखेंगे। और क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, तो अब सुधीर का जो डेटर में नाम लिखा था इसने, डेटर में रिकॉर्ड किया था सिद्धांत ने सुधीर को डेटर में, मतलब उसका डेटर इंक्रीज किया था उसने, तो अब डेटर के यहाँ से तो हटेगा ऑब्वियसली ना, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, सुधीर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए ना जब डेटर डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर सुधीर अकाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये जब डेटर है ना ये डिक्रीज होता है, इसका अमाउंट जब डिक्रीज होता है तो इसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। नरेशन में लिखा जाएगा बिंग
यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग बिल एक्सेप्टेंस, बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, यहाँ पे बिल्स एक्सेप्टेंस, बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, किससे रिसीव हुआ है, तो फ्रॉम सुधीर, सुधीर ने मतलब अपने बिल की एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि 43,800 का बिल है ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और कितने महीने के लिए, तो ये है 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। अब इस सुधीर की बुक में क्या आएगा, सुधीर अपनी बुक में लिखेगा 18 मार्च को। अब देखिए उसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, सिद्धांत को एज अ क्रेडिटर उसने रिकॉर्ड किया था, वो उस वहां से उसका अमाउंट उसको डिक्रीज करना है, क्रेडिटर जब डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है, तो सिद्धांत अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्रेडिटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिटर जब डिक्रीज होता है तो डेबिट में लिखते हैं हम 43,800। अब बिल्स पेबल इसकी बुक में, सुधीर की बुक में, सुधीर कौन है, ड्रॉई है, और ड्रॉई की बुक में मतलब बायर की बुक में बिल्स पेबल वर्ड यूज होगा, तो बिल्स पेबल इसके लिए क्या है, करंट लायबिलिटीज है, तो बिल्स पेबल को हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है, यहाँ पे ये लायबिलिटीज है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई, भाई पेमेंट तो करना होगा फ्यूचर में ना, 43,800। और यहाँ पे नरेशन में लिखा जाएगा बिंग आ एक्सेप्टेंस, मतलब हमारी एक्सेप्टेंस हमने दे दी, माई एक्सेप्टेंस इज गिवन, आ एक्सेप्टेंस गिवन, इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट है वो है कि है ना सेम डेट पर इसने सिद्धांत ने क्या किया, बिल डिस्काउंट करके ले लिया बैंक से, सेम डेट मतलब 18 मार्च को बिल डिस्काउंट करके लिया, तो डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करना होगा, और बिल डिस्काउंट करके लिया मतलब इसका जो कैश है इसके ये रोकड़ा लेगा, नहीं तो कैश बैंक उसका जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज करेगा, नहीं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, दोनों में से एक, इसलिए मैं यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट लिख देती हूँ, क्योंकि पर्टिकुलरली लिखने से अच्छा कि या तो वो रोकड़ा घर ले गया या अपने बैंक बैलेंस में उसने इंक्रीज कर लिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट तो हमको कैलकुलेट करना है। जब बैंक इससे है ना डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो बैंक क्या लेने वाली है इससे, बैंक इससे चार्ज करने वाली है उसको डिस्काउंट करके, मतलब इसने डिस्काउंट अलाउड किया, क्या किया इसने डिस्काउंट इसने बैंक को बोला कि ठीक है भाई डिस्काउंट कट कर लो, डिस्काउंट काट लो आप, तो मतलब इसने डिस्काउंट अलाउड किया, तो डिस्काउंट जब अलाउड होता है तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड इंक्रीज हो रहा है मतलब वो डेबिट करना है हमको, तो डेबिट में लिखा जाएगा। टू, इसके हाथ से क्या जाने वाला है, क्योंकि इसके पास तो रोकड़ा आ रहा है, इसका कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है। अब इसका बिल रिसीवेबल इसके हाथ से जाने वाला है, ये बैंक को दे रहा है, एक तरीके से डिस्काउंट करना मतलब बैंक को बेच दे रहा है कि भाई आप रखो मुझे पैसे की जरूरत है, आप है ना मुझे कुछ कम करके दे दो, डिस्काउंट काट लो और दे दो, तो बिल बैंक ले लेगी, बैंक के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि ये बिल बाद में है ना ड्यू डेट पर बैंक यूज करेगी, बैंक प्रेजेंट करेगी ये बिल लेकर है ना, किसके सामने प्रेजेंट करेगी, सुधीर के पास जाएगी, बोलेगी लाओ पेमेंट दो ड्यू डेट पे 3 महीने बाद, अभी 43,800। और अब हम उसको इस पे क्या कैलकुलेट करना, डिस्काउंट कितना कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्काउंट डिस्काउंटेड बिल विथ बैंक, बैंक से डिस्काउंट करके लिया एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और बिल का आपको अभी यहाँ पे किस किस चीज की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो हम डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट क्या है मल्टीप्लाई बाय पीरियड, कितने समय का बिल है वो, पीरियड में यहाँ पे अनएक्सपायर्ड पीरियड होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है सेम डेट को नहीं करते, एक दो महीना रुक के करते, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड होना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ बिल कितना है, तो अमाउंट ऑफ बिल की जब हम बात करते तो यहाँ पे 43,800 अमाउंट ऑफ बिल है,
उसको मल्टीप्लाई बाय पीरियड कितना वो बिल का जो पीरियड मतलब डे जो बिल की कितने अनएक्सपायर्ड पीरियड है, तो 3 महीना पूरा का पूरा बचा है, तो 3/12, 3 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट 8/100 लेंगे हम, दिस 2 जीरोस विल गेट कैंसल विद दिस, देन यहाँ पे 4 जा एंड दिस 6 जा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा हो जाता है 6, फिर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 4 3 8, 4 3 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 4 2 8 जा कितना होता है 16, कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 4 जा 8, तो 876 का डिस्काउंट। अभी आपको क्या करना होगा, जो 43,800 है उसमें से माइनस करना होगा 8,876 माइनस करना होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे से 0 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो ये नेबर के पास गया यहाँ पे भी 0 ही है, तो यहाँ पे गया यहाँ पे हो गया 7 एंड दिस विल बिकम 9 एंड दिस विल बिकम 10, तो 10 माइनस 6 किया तो 4, 9 माइनस 7 किया तो 2, 7 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो हियर इट विल बिकम 2 एंड हियर इट विल बिकम 17, 17 माइनस 8 व्हेन इट इज डन देन इट विल कम एज 9 एंड 2 एंड 4, तो 42,924 ये रिसीव हुआ, किसको रिसीव हुआ, सिद्धांत को, रिसीव्ड बाय सिद्धांत, बैंक ने उसको इतना अमाउंट दिया मतलब डिस्काउंट के बाद में। तो ये अभी हमको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 42,924 एंड जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो 876। अभी ये नरेशन में क्या लिखेगा, बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन द सेम डेट पे। अब ये बताइए, अब भाई प्रॉमिस यहाँ पे सुधीर ने तो प्रॉमिस 3 महीने की बिल की थी ना, कि ड्यू डेट 3 महीने वाली बात है, तो ड्यू डेट तो 3 महीने बाद आएगी, लेकिन इसको तो पैसे की जरूरत पड़ गई सिद्धांत, तो इसने इमीडिएटली डिस्काउंट कर लिया, सेम डे पे डिस्काउंट कर लिया, अपनी बैंक से बैंक के पास जाके बिल भेज दिया। इसको सुधीर को इससे कोई लेना देना है क्या, कोई मतलब है क्या, नहीं है सुधीर को कोई मतलब नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के लिए ये जो हमारी हम एंट्री नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड एंट्री, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसके लिए कोई नो एंट्री होगी, क्या होगी, नो एंट्री, यहाँ पे इसको कोई लेना देना नहीं भाई, ये तो है ना अपना आंख खोलेगा वो कब खोलेगा, ड्यू डेट के टाइम पे कि भाई अब आ जाओ मेरे को देना है आपको, राइट, या फिर लेने के लिए जब जाएगा तब पेमेंट करेगा। अभी क्या हुआ, बोला है कि द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। अभी हम ड्यू डेट की डेट कैलकुलेट कर लेते हैं, कि ड्यू डेट हमको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको इजी वे मतलब बता देती हूँ। तो यहाँ पे 3 महीने का बिल, 3 महीने का बिल है वो डिस्काउंट हुआ है, तो हमें ना 3 महीने के हिसाब से जो डेट है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो किस तरीके से आप लोग डेट कैलकुलेट करेंगे कि उसका कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो ईजी होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे तो जो मंथ्स दिए होते हैं हमको डेट डे और उसके हिसाब से ही हम जाएंगे, एकदम कोई उसमें डिफिकल्टी आने वाली नहीं है, क्विकली हम कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है डेट कौन सा दिया, मतलब इसका जो बिल का जो ईयर है, ईयर कौन सा है, तो ईयर है 2019। डे कौन सा, तो डे है 18 तारीख, राइट। मंथ कौन सा है, तो मंथ है यहाँ पे मार्च महीना, मतलब 3 थर्ड मंथ होता है, राइट, थर्ड मंथ होता है, थर्ड मंथ हुआ। फिर ये इसका पीरियड, बिल का जो पीरियड है वो कितना पीरियड का है, तो 3 महीने का बिल पीरियड है, तो 3 मंथ्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे, उसको ऐड करने के बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे ये 6 आ गया, डे कौन सा आ गया, 18 आ गया, प्लस इसमें आपको 3 डेज ग्रेस करना है, 3 डेज ग्रेस करना है लीगल ड्यू डेट के लिए, तो ये तो आपकी नॉर्मल डेट हुई, इसमें 3 डेज ग्रेस करना है, तो मतलब 21 जून को, यहाँ पे 21 जून को लीगल ड्यू डेट क्या आई, लीगल ड्यू डेट 21 जून को बिल डिसऑनर्ड हो गया, 21 जून को बिल डिसऑनर्ड हो गया है, तो यहाँ पे डिसऑनर्ड की एंट्री इसकी बुक में क्या आएगी, सिद्धांत की बुक में, तो ये हम यहाँ पर हम लिखेंगे 21 जून पहले, 21 जून
और आपको सिद्धांत का जो बिल रिसीवेबल को लेके दो ट्रांजेक्शन, मतलब दो बार यह बिल घूमा है, पहली सेकेंड एंट्री में घूमा और फिर थर्ड एंट्री में भी बिल घूमा है, तो ये दोनों एंट्री आपको कंसिडर करनी है और आपको कैंसिलेशन की एंट्रीज के लिए तैयार करनी होगी। तो मैं यहीं से आपको बता देती हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 43,800 का डेबिट में है और यहाँ पर बिल रिसीवेबल 43,800 का क्रेडिट में है, तो ये बिल रिसीवेबल और ये बिल रिसीवेबल तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, सुधीर, सुधीर बचा और कैश एंड बैंक बचा। अब आपको डिस्काउंट को इग्नोर करना है, मतलब ये है ना, बिल का अमाउंट है ना वो 43,800 है ना, सुधीर से लेना बाकी है, सिद्धांत को लेना बाकी है, क्योंकि सुधीर का बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो यहाँ पे सुधीर क्रेडिट में है एंड कैश एंड बैंक डेबिट में, तो आपको एंट्री को रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स करना है, मतलब सुधीर को तो आप डेबिट में लिख दोगे, क्योंकि सुधीर क्या है, डेटर है और अब वापस से डेटर इंक्रीज हो रहा है इसका, तो कैंसिलेशन का एंट्री भी बोल सकते हैं हम इसको। सुधीर अकाउंट डेबिट करेंगे हम 43,800 सुधीर, और टू यहाँ पर हम लिखेंगे कैश एंड बैंक, मतलब है ना, बैंक है ना अपना वसूल करेगी पैसा, इसके हाथ से या तो रोकड़ा जाएगा या इसका बैंक बैलेंस में से डेबिट हो जाएगा 43,800। तो डिस्काउंट तो हमको क्या करना, इग्नोर करना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिल डिसऑनर्ड, मतलब पेमेंट नहीं रिसीव होता है, क्या कोई भी कारण से पेमेंट के लिए मना कर देता है, लेकिन भाई बंदा कोई जो क्या बोलते हैं, बिजनेस चल रहा है तो कोई पैसा छोड़ेगा क्या। अब सुधीर अपने बुक में क्या करना चाहिए, इसको रिकॉर्ड, ये फोर्थ एंट्री है यहाँ पे, अभी सुधीर के बुक में 21 जून को डिसऑनर्ड की एंट्री ये भी दिखाएगा, तो इसके बुक में तो ये बिल्स पेबल को लेके ये 43,800 का ये एक ही एंट्री हुआ है, सिद्धांत टू बिल्स पेबल। और ऑलवेज आप याद रखो, डिसऑनर्ड की एंट्री में ड्रॉई की बुक में ऑलवेज है ना, बिल्स पेबल को डेबिट कर दो एंड ना ड्रॉवर को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर बिल्स पेबल, क्योंकि इसकी लायबिलिटी है वो यहाँ से लायबिलिटीज की जो बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी वो तो हो जाती है निल, क्योंकि वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि बिल तो कैंसिल हो गया ना, एक तरीके से खत्म हो गया, बिल का कोई वैल्यू नहीं रहा। टू, उसका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, मतलब सिद्धांत को आप क्रेडिट कर दो। नरेशन में बिंग आ एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, यहाँ पे बात आ रही है कि भाई कुछ पेमेंट ले लो, कुछ रोकड़ा, मतलब नया बिल बनाने की बात आ रही है, रिन्यूअल, नया बिल की बात आ रही है, कुछ पेमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे हम उसका कैलकुलेशन अब करेंगे। तो यहाँ पर बात आ रही है नेक्स्ट, जो वर्किंग नोट हमको करना है कि इसने रिक्वेस्ट किया सुधीर ने कि जो ये 43,800 का जो अमाउंट का बिल है राइट, वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो इसके बदले में तुम क्या करो, इमीडिएटली 13,800, मतलब सेम डेट को वो बोलता है कि 13,800 वो कैश पेमेंट करने के लिए तैयार है। वो क्या बोल रहा है कि मैं पेमेंट कर देता हूँ, मतलब इसका पेमेंट कर देता हूँ, वो तो कैश देने के लिए वो राजी हो गया, कैश पेमेंट करने के लिए रेडी है। कौन, सुधीर, सुधीर ने अपने एक्सेप्टेंस से बोला कि अपने ड्रॉवर से बोला कि भाई 43,800 में से 13,800 देने के लिए तैयार हूँ। बैलेंस अमाउंट कितना होता है, आप माइनस करोगे 43,800 माइनस 13,800 तो 30,000 आता है, तो ये 30,000 का क्या है, बैलेंस भी बोलते हैं इसको हम रिमेनिंग भी बोलते हैं, रिमेनिंग अमाउंट। तो इस पे इसने बोला रिमेनिंग अमाउंट पे 12% का तो इंटरेस्ट चार्ज कर ले, रिमेनिंग अमाउंट मतलब 30,000 पे तो 12% का आप है ना इंटरेस्ट चार्ज कर लो, बाकी का 13,800 में इमीडिएट पेमेंट करता हूँ, और इंटरेस्ट का पेमेंट भी मैं कर देने वाला हूँ, वो भी किसके साथ कर देने वाला हूँ, इस कैश के साथ मैं इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर दूंगा, तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बैलेंस। तो अब हमें ये जो रिन्यूअल बिल वाला है वो 30,000 का जो अमाउंट है इस पे हमें ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा,
तो जो फोर्थ है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट, दैट इज ये बैलेंस अमाउंट दैट इज ये रिन्यूअल का बिल है, तो रिन्यूअल बिल जो बैलेंस अमाउंट है वो रिन्यू हो जाएगा और नया बिल बन जाएगा, न्यू बिल पे, नए बिल पे, यहाँ पे नया बिल वो बन जाने वाला है, तो उसी के हिसाब से हमको रिन्यूअल बिल पे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 30,000 का न्यू बिल, ये न्यू बिल का अमाउंट है, रिन्यूअल बिल कितने का है 30,000 का, मल्टीप्लाई बाय 12/100 करना है क्योंकि 12% का बोला ना, 12% आप रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट ले लो, कैश इंटरेस्ट कैश में ले लो, मतलब क्विकली पेमेंट कर देगा, तो यहाँ पर 2/12, तो दिस 12 विल गेट कैंसल विद दिस 12, तो 12 वन ज़ा 12 एंड दिस 2 ज़ीरोज़ विल बी कैंसल विद दिस 2 ज़ीरोज़ एंड 300 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 600, तो 600 का इंटरेस्ट है वो इसे रिसीव हो रहा है. तो ये जो 600 का इंटरेस्ट मतलब किसको रिसीव हो रहा है, सुधीर को, सुधीर देगा पेमेंट, सिद्धांत को रिसीव हो रहा है. तो यहाँ पे जो एंट्री होगी, जो जर्नल एंट्री हम लिखेंगे, तो वो इस हिसाब से होगी कि 21 तारीख को जब डिसऑनर्ड वाली डेट हम डालेंगे उसी दिन क्या हुआ, नया बिल और नया सब बात होगी. तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कितना वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट 13,800 तो मिल रहा है, उसके साथ इंटरेस्ट भी ऐड करना होगा ना, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट 600 का इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया, टू सुधीर अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे 13,800 और कैश कितना रिसीव हो रहा है इसको, क्योंकि देखो इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है करके, इनकम करके रिकॉर्ड करेगा सुधीर, 13,800 का सुधीर का ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसका जो डेटर है इसने डेटर करके रिकॉर्ड किया है, वो डेटर में से 13,800 कम हो जाएगा और कैश बैलेंस इसका इंक्रीज हो जाएगा 14,400 से, क्योंकि इसको सम अप करोगे तो 14,400 आएगा. नरेशन में लिखेंगे बिंग यहाँ पे पार्ट पेमेंट, पार्टली पेमेंट रिसीव्ड, इसको पार्टली पेमेंट ही बोलेंगे ना, अलोंग विथ इंटरेस्ट, और नया बिल कितने का बनेगा, तो वो बनेगा 30,000 का. पहले अब इसका हमें ना सुधीर की बुक में भी लिख लेते हैं, तो सुधीर की बुक में 21 जून को वो पार्ट पेमेंट कर रहा है और इंटरेस्ट उसके लिए क्या होता है, इंटरेस्ट उसके लिए एक तरीके से लॉस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और वो किसका, सिद्धांत, क्योंकि उसका क्रेडिटर डिक्रीज होगा क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है ना, तो उसका क्रेडिटर है वो कितना 13,800 से डिक्रीज हो जाएगा. फिर इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट को डेबिट में लिखेगा क्योंकि इसने इंटरेस्ट अलाउड किया है, दिया है, रिसीव नहीं किया है, इसके लिए एक्सपेंसेस है, तो 600 यहाँ पे लिखेंगे. एंड टू यहाँ पे क्या आएगा, कैश गया इसके हाथ से, कैश अकाउंट 14,400 इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड करेगा और यहाँ पे लिखेगा बिंग पार्टली पेमेंट मेड अलोंग विथ इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड किया ना भाई, ले ले इंटरेस्ट अलाउड फॉर रिमेनिंग बैलेंस, फॉर बैलेंस अमाउंट. अभी नेक्स्ट है ना, नया बिल बन रहा है, न्यू बिल, न्यू बिल का ट्रांजेक्शन हमको लिखनी होगी, तो इसकी बुक में यहाँ पर नया बिल भी सेम डेट को 21 जून को नया बिल बन रहा है, तो न्यू करके हम रिकॉर्ड कर देंगे, न्यू बिल, बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू सुधीर्स अकाउंट क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है बाय 30,000 नरेशन में बिंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड रिसीव्ड फॉर बैलेंस अमाउंट बचे हुए अमाउंट 30,000 का बाकी था उसके लिए। और यहाँ पे ये कितना ये क्या रिकॉर्ड करेगा सुधीर अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा 21 जून को सिद्धांत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 30,000 बिंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन फॉर बैलेंस अमाउंट मतलब रिमेनिंग अमाउंट। इसके बाद में लास्ट में क्या हुआ लास्ट एंट्री आएगी कि भाई ड्यू डेट आया ना जब ये 2 महीने का बिल था ना ये तो ड्यू डेट पर वो है ना यहाँ पे ना उसके पहले ही है ना बिल रिटायर्ड हो गया। यहाँ पे अब हम रिटायर्ड की एंट्री रिकॉर्ड करने वाले हैं कि बिल रिटायर्ड हो गया तो रिटायर्ड होना मतलब समय से पहले पेमेंट कर दिया लेकिन यहाँ पे डेट नहीं दी है इसलिए हम डेट की जगह पे तो डैश कर देंगे डेट पे कुछ नहीं लिखेंगे डेट के यहाँ पे हमने डैश कर देना है। और वो जब पेमेंट किया तो वहां पे उसको है ना उसने है ना कितना पेमेंट किया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि इसका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा लेकिन उसने पेमेंट कितना किया 29,700 का किया और समय से पहले कर रहा है तो हम मान लेंगे कि क्या हुआ यहाँ पे इसने डिस्काउंट अलाउड किया। डिस्काउंट को आप रिबेट भी लिख सकते हैं इस चैप्टर के हिसाब से रिबेट हम बोलते हैं इसमें कि रिबेट तो रिबेट करके यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा रिबेट अकाउंट डेबिट और 300 रुपये का डिफरेंस है तो 300 हम रिबेट करके रिकॉर्ड करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये न्यू वाला बिल था नरेशन में हमको लिखना है यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग बिफोर ड्यू डेट से पहले ही बिफोर ड्यू डेट सुधीर्स जो सुधीर की एक्सेप्टेंस है वो सुधीर्स सुधीर्स रिटायर्ड द बिल विद डिस्काउंट रिटायर्ड कर देता है मतलब समय से पहले फिर उसने पेमेंट कर दिया अगली डेट आने से पहले ठीक है इस तरीके से आपको लिखना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे सुधीर अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा तो सुधीर यहाँ पे डेट तो आएगी नहीं सुधीर रिकॉर्ड करेगा कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट अभी ऑटो एडजस्ट हो जाएगा ना इसका बिल पेबल मतलब लाइबिलिटीज के अंडर से तो ये पेमेंट हो गया है इसका तो यहाँ पे पेबल अकाउंट डेबिट करेगा ये 30,000 टू इसके हाथ से तो कैश चला गया तो कैश एंड बैंक या इसका बैंक में से पेमेंट डिक्रीज हो गया मतलब डेबिट हो गया अमाउंट तो कितना 29,700 का एंड टू डिस्काउंट और इसने तो डिस्काउंट रिसीव किया है इसने रिसीव किया एक तरीके से तो इसके लिए इनकम है इसको कम देना पड़ा ना भाई इसने कम दिया 300 रुपीज़ इसके लिए बेनिफिट हो गया तो यहाँ पे नरेशन में आएगा Bing a acceptance retired a acceptance retired and discount received इस तरीके से हमको
रिकॉर्ड करनी होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमको क्या है, डेट नहीं दिए तो हमको डेट को क्या कर देना है, उसको हमें इग्नोर कर देना है। फिर इस तरीके से आपको करना होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको चाहिए तो। एंड वीडियो को लाइक करना एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।